स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राजीव कॉम्पिटेटिव क्लास में। दोस्तों आए दोस्तों, सातवीं जनरल शिक्षक भर्ती TRE के द्वारा आपका एग्जाम लिया जा रहा है। तो जो उससे जो उसमें महत्वपूर्ण प्रश्न आएंगे उसका इस वीडियो में क्वेश्चन लिया गया है। और दोस्तों इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं, आज पढ़ेंगे भारत के जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं और इनके भारत के जो महत्वपूर्ण संशोधन किए गए थे उनके बारे में, जो संशोधन किए गए उन सभी के बारे में। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो जो जो प्रश्न आएंगे उन सभी को देखेंगे। तो आइए सबसे पहले भारत के अनुच्छेद से बात करेंगे। तो भारत के पहला अनुच्छेद की भारत की बात करो तो भारत राज्यों का संघ है, पहले अनुच्छेद में दिया हुआ है। फिर भारत अनुच्छेद तृतीय यानी आपका अनुच्छेद जो आर्टिकल 3 में संसद एवं नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों सीमाओं एवं नामों से परिवर्तन कर सकता है, ये संविधान के अनुच्छेद में दिया गया है। संविधान अनुच्छेद 53 में दिया गया है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित रहेगी। दोस्तों यहाँ पर वो अनुच्छेद लिया गया है जिससे ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न आते हैं एग्जाम में बीपीएससी के, और जो आएंगे भी आपके जो जो महत्वपूर्ण प्रश्न आएंगे उन्हीं का अनुच्छेद और संशोधन के बारे में लिया गया है क्वेश्चन। आइए आगे का देखते हैं, आगे का क्वेश्चन आपका देखिए। क्वेश्चन कहता है कि अनुच्छेद 64 की बात कर लो तो उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होगा, पदेन अध्यक्ष होगा। आइए आगे देखिए क्या क्या और क्वेश्चन है कि अनुच्छेद 74 की बात करें, आर्टिकल 74 की, तो राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसके शीर्ष पर प्रधानमंत्री रहेगा। अनुच्छेद 76 अनुच्छेद में दिया गया कि राष्ट्रपति द्वारा महान्यवादी की नियुक्ति की जाएगी। अनुच्छेद 108 की बात करें, दोनों सदनों में गतिरोध हो तो संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है। अनुच्छेद 110 में दिया गया है कि धन विधेयक की परिभाषा। अनुच्छेद 111 में दिया गया है संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक को राष्ट्रपति की अनुमति दी गई है। अनुच्छेद 112 प्रत्येक वित्तीय वर्ष हेतु राष्ट्रपति द्वारा संसद के समक्ष वार्षिक वित्तीय विवरण है दिया हुआ। अनुच्छेद 123 में दिया हुआ है संसद के सत्र नहीं चलने की स्थिति में राष्ट्रपति को आदेश जारी करने का अधिकार है। अनुच्छेद 104 में दिया हुआ है कि जो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 148 में नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। अनुच्छेद 163 में दिया गया राज्यपाल के कार्यों में सहायता एवं सुझाव देने के लिए राज्यों में एक मंत्री परिषद एवं उसके शीर्ष पर मुख्यमंत्री होगा। अनुच्छेद 169 राज्यों में विधान परिषदों की रचना या उनकी समाप्ति विधानसभा द्वारा बहुमत से पारित प्रस्ताव तथा संसद द्वारा इसकी स्वीकृति से संभव है। जो अनुच्छेद 213 है उसमें दिया गया है राज विधेयक के सत्र में नहीं रहने पर राज्यपाल आदेश जारी कर सकता है। और अनुच्छेद 214 में दिया गया है कि राज्य के जो लिए जो उच्च न्यायालय हैं, और अनुच्छेद 226 इसमें मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए उच्च न्यायालय को लेख रिट जारी करने की शक्तियां दी गई है। अनुच्छेद 249 राज्यसभा विशेष बहुमत द्वारा राज्य सूची के किसी विषय पर कानून बनाकर राष्ट्रहित में कदम उठा सकती है। अनुच्छेद 262 में दिया गया कि अंतरराष्ट्रीय नदियां या नदी घाटियां के वितरण एवं नियंत्रण से संबंधित विवादों के लिए संसद विधि द्वारा निर्णय कर सकती है। अनुच्छेद 263 में दिया गया कि राष्ट्रपति अंतरराज्यीय परिषद की स्थापना कर सकता है। अनुच्छेद 66 में दिया गया है कि 266 में दिया गया है कि भारत की संचित निधि जिसमें विधि समाप्त प्रक्रिया के लिए के बिना कोई भी राशि नहीं निकाली जा सकती है। अनुच्छेद 267 में दिया गया है कि संसद विधि द्वारा आकस्मिक निधि स्थापित कर सकती है, ठीक है। अनुच्छेद 275 में दिया गया केंद्र द्वारा राज्यों को सहायक अनुदान दिए जाने का प्रावधान है। आगे अनुच्छेद जो 280 है उसमें दिया गया कि राष्ट्रपति द्वारा प्रत्येक 5वें वर्ष वित्त आयोग की स्थापना की जाएगी। अनुच्छेद 300 दिया गया है कि राज्य किसी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से वंचित नहीं करेगा। आगे आगे क्वेश्चन कहता है, आगे जो आपका अनुच्छेद है वह अनुच्छेद 312 में कहता है कि राज्यसभा द्वारा किसी
बहुमत से नई अखिल भारतीय सेवाएं का सृजन किया जाएगा। अनुच्छेद 2015 315 में दिया गया कि संघ एवं राज्य के लिए एक लोक सेवा आयोग की स्थापना की जाएगी और अनुच्छेद 324 में चुनावों के पर्यवेक्षण निर्देशन एवं नियंत्रण हेतु एक चुनाव आयोग की स्थापना की जाएगी। आइए आगे कहता है कि अनुच्छेद जो आपका 326 है उसमें दिया गया लोकसभा तथा विधानसभाओं में चुनाव वैश्विक मताधिकार के आधार पर होगी और अनुच्छेद 330 में दिया गया अनुसूचित जाति जनजाति का लोकसभा में आरक्षण होगा। अनुच्छेद 332 में दिया हुआ कि अनुसूचित जातियां एवं जनजातियों का विधानसभाओं में आरक्षण का प्रावधान होगा। अनुच्छेद 343 संघ की आधिकारिक भाषा हिंदी होगी और लिपि देवनागरी होगी। आइए आगे क्वेश्चन कहता है कि अनुच्छेद 352 में कहता है कि जो आपका राष्ट्रपति द्वारा आपात स्थिति की घोषणा की जाएगी और भारत या किसी भाग की सुरक्षा युद्ध बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के फलस्वरूप खतरे में है। आगे कहता है अनुच्छेद 356 में राज्य के राज्यपाल द्वारा राज्यों में संवैधानिक तंत्र असफल होने पर राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश है। अनुच्छेद 360 में दिया है कि वित्तीय आपात का प्रावधान और अनुच्छेद 368 में दिया गया संसद को संविधान का संशोधन करने की शक्ति है। संसद को ही संविधान में संशोधन करने का शक्ति है। और अनुच्छेद 370 में जो जम्मू और कश्मीर को किया गया था, जो उनका पहले खुद का संविधान था, अब नहीं है, ठीक है। अब देखिए 371 में कुछ राज्यों के विशेष क्षेत्रों के विकास के लिए प्रावधान है, यानी कुछ राज्यों के ऐसे हैं, असम जैसे हो गया, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, इन सबको विशेष मतलब विशेष शक्तियां प्रदान है, ठीक है। आगे आइए दोस्तों, हम बात करते हैं संविधान के महत्वपूर्ण संशोधन के बारे में। तो इन कब कब संशोधन हुए और कौन कौन से संशोधन जो महत्वपूर्ण संशोधन है उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आइए पहला संशोधन की बात करें तो इस संशोधन द्वारा जो संविधान में 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया और जिसमें उल्लेखित कानूनों के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक पूर्ण विलोक की शक्तियां के अंतरिम परीक्षा नहीं की जा सकती है। आगे कहता है सातवां संशोधन, जो महत्वपूर्ण संशोधन जिसे प्रश्न आए उनके बारे में है कि भाषी आधार पर राज्यों का पुनर्गठन, जिसमें पहले के 4 श्रेणियों में राज्यों के वर्गीकरण को समाप्त कर 14 राज्यों एवं 6 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित किया गया। अगला कहता है 24वां संशोधन, संसद संविधान के किसी विभाग जिसमें मूल अधिकार भी है को संविधान कर सकता है, संशोधित कर सकता है। 31वीं संशोधन में हुआ क्या कि लोकसभा के सदस्यों की संख्या 525 और बढ़ाकर कर दी गई है, 545 कर दी गई तथा केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व 25 से घटाकर 20 कर दिया गया है। 36वां संविधान संशोधन में हुआ क्या कि सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बनाया गया और 42वां संशोधन में संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पथ निरपेक्ष एवं अखंडता सब जोड़े गए हैं। मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया जो भाग 4 का है और तथा राष्ट्रपति को कैबिनेट की सलाह के लिए बाध्यता है। आगे का देखिए संशोधन जो है उनके बारे में, तो 44वां संशोधन, 44वां संशोधन में राष्ट्रीय आपात स्थिति लागू करने हेतु आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह का अधिकार रखा गया था। और 52वां आपका संशोधन में, इस संशोधन के द्वारा राजनीतिक दल बदल पर अंकुश लगाने का लक्ष्य रखा गया है। 61वां संशोधन में 1988 ईस्वी में हुआ और मतदान के लिए आयु का सीमा जो है 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। 69वां संशोधन में 1991 में हुआ और इस संशोधन में दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया तथा वहां विधान परिसभा और मंत्री सभा जो है मंत्री जो परिषद का उपबंध किया गया है। 77वां संशोधन 1992 में हुआ, दिल्ली और पुडुचेरी संघ राज्यों को विधान सभाओं के सदस्यों का राष्ट्रपति के लिए निर्वाचन मंडल में शामिल किया गया। 73वां संशोधन जो हुआ था 1992 में हुआ था, इसके अंतर्गत हुआ कि जो संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़कर पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। 74वां संशोधन में हुआ था 1992 में, और इसके अंतर्गत हुआ कि जो संविधान के 12वीं अनुसूची
शामिल की गई, जिसके जिसमें स्थानीय नागरिक स्वशासन से संबंधित प्रावधान किया गया था। चौवालीसवां जो संविधान संशोधन हुआ है वो आपका 2001 ईस्वी में हुआ है। इस संशोधन में, इस अधिनियम में हुआ क्या कि यह जो संशोधन अधिनियम है यह प्रावधान किया गया कि लोकसभा जो लोकसभा है तथा विधानसभाओं की सीटों की संख्या में वर्ष 2026 तक कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। आगे क्या हुआ था, 46वां संशोधन में 2001 में हुआ, और देश के 16 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए अनिवार्य एवं निशुल्क शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी गई थी, जिसे अनुच्छेद 21 के अंतर्गत संविधान में जोड़ा गया था। 91वां संविधान संशोधन 2003 में हुआ था, और दल बदल से संबंधित नियम तथा राज्य में मंत्री परिषद के सदस्य संख्या क्रमशः लोकसभा एवं विधानसभा की सदस्य संख्या की 15% से अधिक नहीं होगी। जहां सदन की संख्या जो आपका 40% थी, 46 संख्या थी, वहां 12 से कम नहीं होगी। और 92वां संशोधन 2003 में हुआ था, और इस 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था इसको, जो बोडो, डोगरी, मैथिली और स्थाली भाषा का समावेश था, और कुल भारतीय भाषाएं संविधान में की गई, 22 भारतीय भाषाएं स्थापित की गई संविधान में। 97वें संविधान संशोधन में हुआ क्या, 2011 में हुआ, और सहकारी समिति बनाने का अधिकार एक मौलिक अधिकार बन गया, और अनुच्छेद 19 सहकारी समिति नाम से एक नया भाग 9 ख है जो संविधान में जोड़ा गया। और 100वां संविधान संशोधन जो है जो 2015 ईस्वी में हुआ, और भारत और बांग्ला के बीच भूमि हस्तांतरण हेतु संशोधन हुआ। 101वां संशोधन में 2016 में हुआ, और वस्तु का एक सेवा पर जीएसटी से संबंधित ये संशोधन था। और 2002वां संशोधन जो 2018 में हुआ, इसमें पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देने से संबंधित था। अब आइए 2003वां संशोधन की बात कर लें, तो 19 में किया गया, 2019 में समान वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 10% आरक्षण का प्रावधान दिया गया। 104वां संशोधन में 2019 में किया गया, और इस संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान का अनुच्छेद 334 में संशोधन किया गया, और 105वां संशोधन 2021 इस अधिनियम के द्वारा राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों को सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग की अनुसूची अपनी अनुसूची तैयार करने में सक्षम बनाती है। तो ये था टोटल आपका पूरा जो संशोधन थे और आर्टिकल थे उसका पूरा वीडियो। तो दोस्तों इससे जरूर है आपके एग्जाम में प्रश्न आएंगे, तो दोस्तों ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा बेहतर शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें आगे का जो भी नोटिफिकेशन है उसका पाने के लिए।